हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रिस्क आर एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी दिया है, ये करेक्ट हो जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो होते हैं वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं वो समटाइम न्यू टॉक्सिन फॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू टॉक्सिन्स और इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टॉक्सिन्स। अगर उसमें पहले से ये टॉक्सिन है तो उसमें इंक्रीज करा दिया उस टॉक्सिन में, टॉक्सिन लेवल में इन द फूड क्रॉप्स। तो यहाँ पर पोटेंशियली हार्म कर सकता है कंज्यूमर को इफ लेवल्स एक्सीड सेफ थ्रेशोल्ड। सेफ थ्रेशोल्ड को अगर एक्सीड कर गया तो अफेक्ट कर सकता है, हार्म कर सकता है कंज्यूमर को। फिर दिया है एलर्जिक रिएक्शन। तो आप देखते ना, समटाइम हम क्या करते हैं, नया जीन इंट्रोड्यूस करा दिया हमने प्लांट या एनिमल में, ठीक है। अब वो जो नया जीन इंट्रोड्यूस कराया वो क्या बनाएगा, नया प्रोटीन बनाएगा, क्रिएट अ न्यू प्रोटीन। तो ये प्रोटीन एक्ट कर सकता है एलर्जन की तरह, ठीक है, एलर्जन की तरह एक्ट कर सकता है। और जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को माइट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, अगर वो सेंसिटिव है नए प्रोटीन से। तो ये भी देखने के लिए मिल सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एलिमेंट ट्रिकेनॉल, यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं, कई बार ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, इंजीनियर किए जाते हैं यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज करके क्या किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाए जाते हैं, ओके, और ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, क्रॉप नहीं, ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, मार्कर की तरह, आप जानते हैं मार्कर की तरह यूज करते हैं। मार्कर की तरह कैसे, कि हमने जो चेंज कराया था, हमने जो इंसर्शन किया था, क्या उसकी वजह से कोई इनएक्टिवेशन हुआ, इंसर्शन इनएक्टिवेशन जो होता है वो सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन को बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस जीन जो है उसे मार्कर की तरह यूज किया। यहाँ पर ये कंसर्न है कि ये जीन्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं टू द बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इन द ह्यूमन गट, ठीक है, वहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं, पोटेंशियली उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो यहाँ ये भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन डी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 5 पेज नंबर 184 पर गिवन है। थैंक यू।